ये कहानी भी पूरी ना कर पाया मैं, लगा बेहतर होगा इसे अधूरा छोड़ना। प्यार की वजह से दोस्त को खोया था, अब नहीं चाहता मैं किसी अनजान का दिल तोड़ना। क्यों मिली वो मुझे ही, क्यों मिला मैं उसे, न जाने क्यों टूटा था दिल मेरा जब दुखी थी वो। क्यों खिला था ये चेहरा जब हंसी थी वो। Excuse me. Excuse me. Can you take my picture? Actually, मुझे जाना है कहीं। Please एक picture क्लिक कर दो। मुझे कैमरा हैंडल भी नहीं करना। बटन ही तो दबाना है, प्लीज। चलो लाओ दो। थैंक यू। कहाँ पे? अरे ये तो ब्लर है, एक और ले दो प्लीज। चलो जाओ। शो। अरे वाह, ये वाली बहुत अच्छी है। थैंक यू। चलो फिर चलता हूँ मैं। सुनो, वैसे मैं बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचती हूँ। अरे मुझे शौक नहीं है फोटोज करवाने का। चुपचाप से वहां जाके खड़े हो जाओ। अरे रुको, फोटोज तो लेते जाओ। नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। लाओ कैमरे में दिखा दो आप। अरे ये तो बढ़िया है। अच्छी है। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? मैं बस यहीं देखता हूँ, कहीं तो जाऊंगा। चलो साथ में देखते हैं। श्योर। अकेले आने की कोई खास वजह? नहीं, कोई वजह तो नहीं, बस यू। बाय द वे, आई एम सेजल। राहुल। राहुल नाम तो सुना ही होगा। वो वाला या कोई और? नहीं, शायद कोई और ही हूँ मैं। बहुत दुखी लग रहे हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ अकेले? आप भी तो अकेले आए, फिर तो आप भी दुखी हुए। मुझे तो अकेले घूमने की आदत है। तो ज़रूरी तो नहीं ना सिर्फ आपको अकेले घूमने की आदत हो, किसी और को भी हो सकती है। तो आप कहाँ से हो? मैं सोलन से हूँ, पर यहाँ घूमने आई हूँ। आप कहाँ से हो? बेसिकली लुधियाना से हूँ, बट स्टडी चंडीगढ़ से हुई है। ओके, बहुत सुना है मैंने चंडीगढ़ के बारे में, पर वहाँ आने का कभी मौका ही नहीं मिला। वैसे इस बार यहाँ आने की कोई ख़ास वजह? एक्चुअली आई एम इन लव विद दिस प्लेस। जब कभी सही फील नहीं करता तो यहाँ चला आता हूँ। अच्छा, तो इस बार क्या रीज़न? रीज़न तो है बट बताऊँगा नहीं, थोड़ा पर्सनल है। हाँ, वैसे भी पर्सनल थिंग्स स्ट्रेंजर्स को नहीं बतानी चाहिए। सही बोला आपने। चाय? शॉ। लो चाय आप। थैंक यू। Have it? आप भी लो। मैं तो खाऊंगी, आप भी लो। मुझे तो बहुत भूख लगी थी। I have to take this call.
चाय तो ठंडी होगी आपकी, कहीं और पी लेंगे चलें। हाँ चलो। टॉफीज। थैंक यू। ब्रेकअप हुआ क्या? आप पूछ रहे थे ना कि मेरे यहाँ आने की वजह, यहीं की एक लड़की थी उसी से प्यार कर बैठा मैं, बहुत बड़े दोस्ती मेरी यार। बाद में रिलाइज हुआ यार कि दोस्ती तो प्यार से बेहतर थी, पर क्या करें तब तक तो हर जगह से ब्लॉक हो चुका था। तो आपने कोई कोशिश नहीं की? की ना, बहुत कोशिश की। रोज़ नए नए इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना के मैसेज करता था, रोज़ नए नए नंबर से मैसेज करने लगा, पर क्या फ़ायदा। तो फिर तो वो मान गई होगी। कहते हैं ना, गुस्सा एक बार जैसे दिल से उतार दें तो उसे दोबारा अपना नहीं देता दिल में। तो उसने फिर कभी बात नहीं की? यहाँ उसे बुलाने के लिए आया हूँ, पर अभी भी दिल में कहीं ना कहीं है कि अगर मिल जाए तो अभी माफ़ी मांग लूँ उससे। उसने मुझे बेटर लड़की मिल गई, सो ही ब्रोकअप विद मी। पर अगर वो आपसे बेटर ढूंढता फिर रहा हो, फिर तो वो आपके लायक ही नहीं था ना, फिर होने का क्या चक्कर? प्यार करती थी उससे मैं। तो रोना तो आएगा ही ना। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी बहुत रोया हूँ छुप-छुप के। छुप-छुप के? सबके सामने क्यों नहीं? अरे रोया था सबके सामने एक बार। तो सारे दोस्त मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करने लग गए, कहीं अकेला जाने ही नहीं देते थे। फिर वो बाथरूम ही था जहाँ बैठ कर रोता था मैं। खैर वो सब छोड़ो। आप पंजाब से हो ना? हाँ। तो आपको पंजाबी तो आती होगी? हाँ ऑब्वियस आती होगी। आपको हिमाचली आती है? नहीं थोड़ी बहुत आती है, वो मुझे मेरी फ्रेंड ने सिखाई थी। ओके। सो थोड़ी बहुत जस्ट। क्या हाल चाल है, इसको कैसे बोलेंगे हिमाचली में? क्या हाल चाल है? क्या हाल हो? क्या हाल हो तुम्हारे? क्या हाल हो तुम्हारे? ओके। हाँ और पंजाबी में कैसे बोलेंगे? की हाल चाल ने? की हाल चाल? की हाल चाल ने? बहुत बढ़िया, तुझे दसो। हम भी बढ़िया। असी भी बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो आई लव यू को कैसे बोलेंगे? आई लव यू को? मैं प्यार करता थोनू। अच्छा आप अच्छे हो, इसे कैसे बोलेंगे मछली में? आप अच्छे हो, तू बढ़िया हो, तू बढ़िया। हाँ बढ़िया माँ, तू बढ़िया माँ, ये तो गाली हुई। तू बढ़िया मांच, मांच 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 हो, तू बढ़िया मांच हो। तू बढ़िया मांच हो, मुझे इतने अच्छे से आती नहीं। आप हिमाचल पहली बार आए हो तो आपको कुछ देना तो बनता है। कैप? अरे इसकी क्या जरूरत थी, सूट करेगा आप पे, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। क्यों वो दो पल पहले मिला अनजान मुझे अपना सा लग रहा था, क्यों उसके साथ बिताया पल सब अच्छा सा लग रहा था, जो सबके लिए राज थे मैंने उसके आगे खोल दिए, जो दिल में थे दर्द उसके उसने मुझे क्यों भूल दिए। वो मेरे बिखरे दिल का सहारा बनी, उसके टूटे दिल को संभाला मैंने, इसे प्यार होना कहते हैं ये उस वक्त जाना मैंने। जाते जाते शिमला की बारिश भी देख ली। वैसे इट वॉज वेरी गुड डे विद यू, मतलब मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था
बट आपके साथ आपकी कंपनी में इट वॉज वेरी नाइस। यार ये ब्रेकअप शेकू ना कुछ नहीं होता, अपनी मस्ती में रहो। वैसे बारिश भी कम होगी अब तो, घर निकलना चाहिए। जाना तो मुझे भी है। कुछ पूछना नहीं चाहोगे हिमाचल के बारे में? नहीं, अगर आपने कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ। अमृला थैंक यू, बाय, सी यू। सुनो, हाँ? पंजाबी में आई लव यू को क्या कहते हैं? मैं तुम्हानू प्यार कर दिया। हाँ अरे हिमाचली में बताते जाओ। आता तो प्यार करूं। करूं। दिल चाहता था रोकना उसे, वो भी जाना नहीं चाहती थी शायद, पर चली गई वो। शायद डरती थी मेरी तरह मोहब्बत से वो भी। जा रहा हूं अब मैं वापस, टूटा दिल लिए घूम रहा था इन वादियों में। उसने आकर मरहम लगाई दिल पे, मैं पूछ भी ना पाया उससे उसका पता। बताना चाहता था उसके मरहम से और गहरी है चोट आई दिल पे। शायद बता गई थी वो अपना पता मुझे, पर मैं जाना नहीं चाहता था वापस से, डर लगता है मुझे कल को वो भी हो जाती दूर, इसलिए उसे अपनाना नहीं चाहता था मैं। भुलाने गया था किसी को, किसी और को याद बनाकर साथ ले आया हूँ। उसे तो भुला ना सका, किसी और को भी दिल में बसा लाया हूँ।